नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अल्ताज खान। अगले 10 मिनट में होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीबीसी न्यूज पर आयकर सर्वे को ममता बनर्जी ने बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कहा यह भाजपा सरकार का राजनीतिक बदला। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान शुरू, सुबह सुबह मतदाताओं में दिख रहा है भारी उत्साह। कानपुर देहात अग्निकांड की जांच के लिए बनी 2 सदस्यों की एसआईटी, परिवार को योगी सरकार ने दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा। टीवी डिबेट में आपस में भिड़े स्वयं प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास, दोनों के बीच हुई हाथापाई। बाराबंकी में बुलडोजर से मुसलमानों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, पेश की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल। चीन से विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला, आईटीबीपी में भर्ती किए जाएंगे 9,000 जवान। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 8 और आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत, सभी आरोपी अब जेल से बाहर। सत्ता में आए तो 100 सीटों पर बनाएंगे राम मंदिर, तेलंगाना कांग्रेस ने किया ऐलान। वागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर बरसे सुद्दीन ओवैसी, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बोला बड़ा हमला। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए 8 जिलों में मतदान सुबह से शुरू हो गया है। मतदान को लेकर सुबह सुबह लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गोमती की बूथ संख्या 54 पर भारी भीड़ देखी जा रही है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। विधानसभा चुनाव में 31 महिलाओं समेत कुल 259 उम्मीदवार मैदान में हैं। AIMM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर जुबानी हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के लोग बहुतों की कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं, सरकार क्यों खामोश बैठी है, कोई हिंदू राष्ट्र कैसे भारत को बना सकता है, ये बकवास किए जा रहा है और बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है, बाबा की जुबान से नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान बीते ही दिनों दिया था। उन्होंने ABP न्यूज से बातचीत में कहा था कि जब 3/3 लोग ये कहने लगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या ऐसा नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं से अपील भी की कि केवल हिंदू राष्ट्र की मांग करो और इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहो। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू इसका निर्णय अपने आप करेंगे, अगर 1% लोग ये नहीं मानते हैं तो कोई फर्क उनसे नहीं पड़ता है, क्योंकि इस 1% की कोई महत्व भारत में है ही नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी न्यूज पर आयकर सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से सरकार चला रही है। ये न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है, देश में कोई मीडिया नहीं बचेगा। मीडिया पहले से ही इनके द्वारा नियंत्रित है, मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा सकती। बीबीसी इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन बुधवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहा, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। कानपुर देहात के मंडौली गांव में हुए अग्निकांड की घटना पर योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। बताते चले कि अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लगने से मां बेटी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इस मामले में जांच के लिए 2 सदस्यों की SIT गठित की गई है। इसमें कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर और ADG कानपुर जॉन आलोक सिंह शामिल है। अब ये SIT एक हफ्ते के अंदर मामले पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष A.R.R.E.D्डी ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तेलंगाना में तो राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर राम मंदिर बनवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सीट पर एक राम मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंदिर की लागत 10 करोड़ रुपये होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा ऐलान अब तेलंगाना में किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में हुए लखीमपुर हिंसा मामले में 8 और आरोपियों को 20 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित मामले के सभी 13 आरोपी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। आशीष मिश्रा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश पर विचार करते हुए लखनऊ की एक बेंच ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 मार्च को निर्धारित की है और अब सभी आरोपी लखीमपुर खीरी हिंसा के जो है सब बाहर आ गए जेल से।
चीन भारत की सीमा पर तनाव के बीच भारत सरकार ने बुधवार को 9000 जवानों को आईटीबीपी में शामिल करने की इजाजत दे दी है। इससे भारत की चीन सीमा पर सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। चीन सीमा पर सुरक्षा के सबसे आगे आईटीबीपी के जवान ही तैनात रहते हैं। इसके साथ ही 7 नई बटालियन और एक नया सेक्टर मुख्यालय भी स्थापित करना किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल्ले से निकली बॉल भाजपा कार्यकर्ता के सिर में जा लगी। इससे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद तुरंत सिंधिया की गाड़ी से उसे घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी घायल को देखने पहुंचे। यूपी के बाराबंकी में मुसलमानों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की है, जिसमें उन्होंने बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए और बुलडोजर पर खड़े होकर कांवड़ियों पर काफी पुष्प वर्षा की, जिससे कांवड़ियों में भी खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। बता दें कि महादेवा जाने से पहले कांवड़ियों का मुस्लिम समुदाय ने जमकर स्वागत किया, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की पासपोर्ट का मामला अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पहुंच गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपने पासपोर्ट से जुड़े मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इल्तिजा मुफ्ती की ओर से जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि 6 महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीकरण कराने के लिए आवेदन दिया था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 6 महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पासपोर्ट का नवीकरण कराने के लिए उनके आवेदन 6 महीने बाद भी CID वेरिफिकेशन तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वह दिन ब दिन साल दर साल बड़ी संकट की ओर इशारा कर रही है। जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, उससे भारत समेत पूरी दुनिया ने एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहा तो मुंबई और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई बड़े शहर समुद्र में समा सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के बीच ये चेतावनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हर महाद्वीप के मेगा शहर जैसे काहिरा, लागोस, मपूटो, ढाका, जकार्ता, मुंबई, शंघाई, बैंकॉक, लंदन, लॉस एंजेलस, न्यूयॉर्क, व्यूनस आयरस, सेंटियोगो और कोपेनहेगन समेत गंभीर प्रभावों का सामना कर सकते हैं और ये शहर आने वाले समय में डूब सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बागी नेता हेमंत चौधरी ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हेमंत चौधरी ने मंगलवार को सिद्धार्थनगर में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के गठन की घोषणा की है। नई पार्टी के गठन के बाद फिलहाल अपना दल एस के करीब करीब सारे ही पद अधिकारियों ने इस्तीफा देकर नई पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसमें ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय और जनपद स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अब जो भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा, उसे दोषी करार दिए जाने के बाद सजा हो जाएगी और उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी इजराइल की नागरिकता को खत्म करने का इजराइल में कानून पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 94 वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 10 वोट पड़े, और इसके साथ ही इस बिल को संसद में पास करा दिया गया है। इस कानून के बाद आतंकियों को या तो देश से निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें पूर्वी यरूशलम भेज दिया जाएगा। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई वाले दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। ऐसे में बीबीसी ने अपने सभी कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को शुरू हुई कार्रवाई अभी तक जारी है। कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, कंप्यूटर खंगाले गए हैं। अब एक दफ्तर के अंदर आयकर अपनी जांच में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ बाहर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बुधवार को हिंदू सेना के कई कार्यकर्ता दिल्ली वाले दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते देखे गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी के जवानों को दफ्तर के बाहर तैनात कर दिया गया है। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरह के प्रतिबंध, दमन और लोगों को डराने से सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में है। यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। तमिलनाडु के दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री SM नासी ने तिरुवल्लमपुरम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंका। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री के बैठने के लिए कुर्सी लाने में कार्यकर्ताओं को देरी हो गई थी, जिसके बाद मंत्री आग बबूला हो गए और उन्होंने कार्यकर्ता पर पत्थर फेंक दिया। 7 सेकंड के इस वीडियो में
नासिर एक खुली जगह पर खड़े हैं, उनके पीछे कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो है उनके लिए कुर्सी लेने जा रहा है और कुर्सी देर से आने पर वो नाराज हुए कार्यकर्ता पर, उन्होंने पत्थर फेंका। तो आज की मुख्य खबरों में इतना ही, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए नई न्यूज़ लाता रहूँगा।